देखिए मेरा नाम जावेद अहमद है मैं ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन का एक मेंबर बोल रहा हूँ देखिए 24 तारीख से जो हमने कॉल दी थी ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो कॉल दी थी आज जम्मू में हमारी मीटिंग चल रही थी जहाँ पर हमारे लोग भी थे वहाँ अला हकाम से बात भी की टी साहब से भी बात की जो कि मीटिंग चल रही थी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल की कॉल डेफर कीजिए कल यानी बारह बजे जम्मू में मीटिंग होगी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने बोला है कि आपके जो जायज़ मसाइल हैं, वो इन पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए हमने जो कल की कॉल थी वो हमने डेफर कर दी ये इसकी रिपोर्ट्स जो अभी तक हमें आई है वो अभी जमू से भी हमें फ़ोन आया था जमू से भी हमें बताया गया है कि आप पूरे कश्मीर वैली में जो कि ट्रांसपोर्टर सारे ट्रांसपोर्ट ऑटो से लेकर बस तक ट्रक तक सारे जितने भी लोग हैं ट्रांसपोर्ट से जो वाबस्त रखते हैं उनको मुतल किया जाता है कि कल की कॉल जो कि वापस ली जाएगी इसलिए हमारी गुजारिश सारे ट्रांसपोर्ट लोगों से है खास हमारी एसोसिएशन से जो वस्ता ऑटो वाले हैं उनसे मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि कल से वो काम पर निकलेंगे जो भी कोई प्रोग्राम होगा वो बाबा बाई मीडिया या बाई पेपर सब लोगों को इतला दिया जाएगा क्योंकि कल हमें इंतज़ार करना है जब तक कि फैसला नहीं आएगा रिज़ल्ट क्या आएगा वो सब लोगों को सब ट्रांसपोर्ट वालों को पता चलेगा yes. देखिए हमारी जो जायज़ डिमांड थी वो पिछले आपको तो पता है पिछले आठ महीने से जो कि कोविड चल रहा था उस दौरान ही हमें टोकन टैक्स जो आ, डबल कर दिया गया देखिए इंश्योरेंस भी हमें है आज पेट्रोल की कीमत कभी सेवेंटी होती थी, थी कभी एटी होती आज नाइन्टी थ्री हो गई है दिन ब दिन हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है देखिए इसका असर सारा हमारे ऊपर भी पड़ता है हमारी फैमिली के ऊपर भी पड़ता है किस किस चीज़ पर हमें सर्वाइव करना पड़ता है तब सबसे बड़ी मुश्किल हमें इन दिनों में कि पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है हम बहुत परेशान हैं कि हम अपनी फैमिली को कैसे चलाएँ देखिए बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है अपने आप को भी चलाना है गाड़ी भी मेंटेन रखनी है एक्सपेंडिचर भी देखना है एक्सेसरीज़ भी देखनी है सब कुछ देखना पड़ता है कि इसी हालत में हमें क्या क्या करना है देखिए लॉकडाउन में हम घर घरों में के अंदर बैठे थे उसके बाद भी अला हम ने टोकन टैक्स डबल कर दिया जो कि हमारे ऊपर जात, जाती है जुल्म है देखिए आज की हड़ताल जो चौबीस तारीख से हमने ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर ने जो किताई पाई थी अभी जम्मू में हमारी मीटिंग चल रही थी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ अला हकाम के साथ मीटिंग चल रही थी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल की कॉल को डेफर किया जाए क्योंकि कल बारह बजे या एक बजे उनकी मीटिंग है मीटिंग के बाद जो भी रिज़ल्ट आने वाला है वो हम सबको पता चलेगा और हमारी आवाम को भी पता चले पूरे ट्रांसपोर्ट को पता चलेगा बाई मीडिया बाई पेपर के जरिए हम इतला करेंगे तो सबसे बड़ी बात एक बार फिर मैं शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि अभी तक हमारी इज़्ज़त को बरकरार रखा और सबसे बड़ी शुक्र शुक्रगुजार हम हैं ड्राइवर साहिबान का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और वेलफेयर वालों का भी देखिए कल हमें पता चलेगा कि रिज़ल्ट आने वाला है 12 बजे के बाद ये भी पता चलेगा क्योंकि हमारे पास ऑर्डर कॉपी भी आई है जो कि टीसी साहब ने दी है यह है ऑर्डर कॉपी का नाइवी परसेंट जो भी रिज़ल्ट आने जो भी जायज़ मु है जो कि हमारे आला अलाम से हमने पहले भी काफ़ी बार मीटिंग की थी दिन ब दिन देखो ट्रांसपोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़्यादा हो जी। चाहे वो हड़ताल का मसला हो कोविड का मसला हो या अनरेस्ट हमारा कश्मीर तो हर साल अनरेस्ट रहता है तो मैं शु, शु, शुक्रगुजार हूँ सभ, सभी ट्रांसपोर्ट वाइयों का जिन्होंने इन फिर सपोर्ट किया उनका भी शुक्रगुजार जिन्होंने नहीं किया कि मेरी मैसेज तमाम ऑटो ड्राइवर साहिबान से है कि जो भी आइंदा प्रोग्राम होने वाला है वो आपको बज़े अखबार बज़े पेपर आपको पता चलेगा और ख़ास तौर हमारा ऑफ़िस जो कि हेड ऑफ़िस टी में है जो कि रजिस्टर्ड है सब ड्राइवर साहिबान से मैं ही गुजारिश करता हूँ किसी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ड्राइवर साहिबान का दिमाग ड्राइवर करने डाइवर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरी गुजारिश फिर भी यही है कि आपको जो भी मैसेज या इतला चाहिए वो टीआरसी हेड ऑफ़िस से रता कायम करें